नमस्कार, लक्ष्मी हिंदी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है अपने विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। आइए इस पत्र को विस्तार से देखते हैं। यह पत्र अक्सर परीक्षाओं में देखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पत्र। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक, आगे आएगा सेवा में, प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय सुब्रत पार्क, नई दिल्ली। विषय है हमारा पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपका ध्यान अपने विद्यालय में पीने की पानी की व्यवस्था की ओर दिलाना चाहती हूँ। मैं छात्र संघ की प्रतिनिधि के रूप में आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था बहुत खराब है। इतने बड़े विद्यालय में मात्र 5 नल हैं, जहाँ से लगभग 2000 छात्र छात्राएं पानी पीते हैं। गर्मियों में तो नल पर छात्र छात्राओं की भीड़ लग जाती है। प्यास से व्याकुल बच्चे एक दूसरे को धक्का देते हुए अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कम और पानी के नल पर अधिक होती है। कई बार तो आधे आधे घंटे तक पानी के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इससे पढ़ाई का नुकसान तो होता ही है, अध्यापिका से डांट भी खानी पड़ती है। कृपया आप विद्यार्थियों की संख्या एवं आवश्यकता को पीएच ध्यान में रखते हुए कम से कम 5 और नलों की व्यवस्था करवा दीजिए। इससे सभी विद्यार्थियों को बहुत राहत मिलेगी। आखिर में लिखेंगे धन्यवाद, भाव दिया, काखागा, कक्षा 12। आज तक के लिए इतना ही। इसी प्रकार से देखते रहिए और सीखते रहिए। फिर जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।